सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा एंड हो गया था। मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है जो हम देख रहे थे, इस क्वेश्चन में बस ये प्रीवियस और इस क्वेश्चन में बस बेसिकली एक ही डिफरेंस था, वो ये था कि यहाँ पर आपका जो फ्लेंजेस था उसकी जो मैग्नीट्यूड या उसकी जो क्राइटेरिया था वो आपको गिवन था। आपका फ्लेंज है वो कंप्रेशन में है और नीचे वाला जो फ्लेंज है वो आपका टेंशन में है। तो इस कारण से यहाँ और एक चीज़ और थी कि यहाँ पे आपको टेंशन और कंप्रेशन के लिए अलग अलग परमिशन वैल्यू गिवन थी। तो इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको यहाँ पर अलग अलग मोमेंट लोडिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दो अलग अलग परमिशन स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है और आपका जो मोमेंट लोडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, परमिशन स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय सेक्शन मॉडुलस। तो इस कारण से यहाँ फॉर दिस रीजन्स यू हैव टू फाइंड आउट टू वैल्यूज, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड निकालना है और सेंट्रॉइड के लिए मैंने आपको वेटेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये वैल्यूज़ देखी थी कि ये वैल्यूज़ कैसे आ रही है, और इस वैल्यूज़ के साथ में हमने यहाँ पर ए की वाई बॉटम की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। वाई बॉटम क्या है यहाँ पर, वाई बॉटम मीन्स इस पर्टिकुलर बॉटम फाइबर से ले करके इस पर्टिकुलर सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी वाई बॉटम है, जो लगभग 78 के समथिंग आ रही है। ओके, और टॉप से ये 121 के समथिंग कुछ आ रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरिया यदि बॉटम की बॉटम में यदि एरिया ज़्यादा है या वेटेड ज़्यादा है, तो वेटेड एरिया के कारण ये जो आपके सेंट्रॉइड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो सी जी है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के सेंटर से थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगी। तो यहाँ पे आपने वाई की वैल्यू निकाल ली बॉटम की, यहाँ पे आपका जो वाई है वो कहीं ना कहीं इस तरह से आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है, जैसे मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन करा है, ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन है क्योंकि यहाँ सेगिंग गिवन है, नीचे वाला आपका टेंशन है। तो कंप्रेशन डेट मीन्स ये इस तरह से कंप्रेस हो रहा है और यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है। तो ये कंप्रेशन के कारण यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है और यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको इस तरह से फॉल कर रही है और टेंशन स्ट्रेस इसको इस तरह से इधर ला रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये जीरो की लाइन है, ठीक है, जीरो से आगे की तरफ है और ये जीरो से नेगेटिव की तरफ, मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेस बैलेंस है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ये तो मैंने आप बेसिक्स आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं इस फिगर को। और ये डायग्राम बना कैसे है, ये डायग्राम आपका ऐसे बना है कि यहाँ पे आपको गिवन है कंप्रेशन की वैल्यू, कंप्रेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 90, ठीक है, और टेंशन की वैल्यू दे रखी है आपको 30। तो 30 और 90 यदि आपको गिवन है तो आपको पता है कि आप जब डायग्राम बनाएंगे तो 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको इस जीरो लेयर से ऊपर जाना है और 30 आपको इधर जाना है। तो जब आप इन दोनों को ले करके एग्जैक्टली आप इस सी जी के हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे स्केल में, तो ये 78 पे कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये क्रॉस करेगी। ओके, ठीक है, अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आई निकालना। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करने के लिए वही आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, बीडी क्यूब बाई 12 निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू वाई स्क्वायर करेंगे। वाई स्क्वायर कैसे करना है, यहाँ पे वाई क्या होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। वाई यहाँ पे होगा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से इस फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट पोर्शन के सीजी तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये है आपका जो भी न्यूट्रल एक्सिस है, इसकी टॉप वैल्यू सपोज 121 के समथिंग कुछ है, तो 121 में से आप ये वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, 25 प्लस जो भी यहाँ पे आएगी 121 में से आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको इसकी वाई वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये समथिंग कुछ, या फिर आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ओके, 175 माइनस का 79.54, ये क्या करा इन्होंने, 175 मींस आपका टोटल है यहाँ पे, ये तो है आपका 25, आपको ये निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आपने क्या करा,
ये टोटल वैल्यू है आपकी 175। तो इस 175 में से आपने ये माइनस कर दी तो आपको ये वैल्यू वाई पता लग गया। तो ये ज्योमेट्रिकल जो कैलकुलेशन है ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस हमने काफ़ी अच्छी कर रखी है 5-6 क्वेश्चंस में। तो ये पोर्शन हुआ, देन सेकंड पोर्शन का बी डी क्यूब बाई 12 इंटू उसका एरिया और थर्ड का एरिया। तो इस तरह से आपने तीनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और इस कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। आपने यदि आपने आई निकाल लिया, डेट मीन मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, सबसे पहले आपने सेंट्रोइड निकाला, आई निकाला, इसके बाद आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वाई, क्योंकि आपका पहला टास्क है सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना। और सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस विल बी इक्वल टू आई अपॉन में वाई मैक्सिमम। फिर से मैं रिवाइड करवा रहा हूँ कि ये वाई मैक्सिमम होगा, इसे आप वाई नहीं लेंगे, क्योंकि इस जब भी अनसिमेट्रिकल केस आएगा तो वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न आपको हमेशा रहेगा कि आपको वाई की वैल्यू क्या लेनी है। तो इसलिए आप इसको रिमाइंड में रखिए कि आपको हमेशा वाई मैक्सिमम की ही वैल्यू लेनी है। तो इस केस में आपका वाई मैक्सिमम क्या होगा, वाई मैक्सिमम मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर या मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस, और उनमें से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो आपकी वाई होगी। तो यहाँ पर आपकी 78 है, टोटल आपकी 200 है, तो ये 120 के समथिंग, 122 के समथिंग जो भी वैल्यू आएगी वो होगी। तो आपका वाई मैक्सिमम अपर फाइबर से टॉप फाइबर से आपकी इस पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस होगी। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पे देखिए वही टास्क इन्होंने करा है, आपकी वैल्यू आ रही है 120.46। आपकी वैल्यू यहाँ पर आई थी 79.54, उसको आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये आपकी आ गई 120.46। अब क्या करेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस अभी तक के क्वेश्चंस में तो आप क्या करते थे कि आप डायरेक्ट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका टॉप फाइबर कंप्रेशन में, बॉटम फाइबर आपका टेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो है, हेंस फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अलग आएगी, और यदि आप टेंसाइल स्ट्रेंथ पर्टिकुलर बीम की बात करेंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बिहाव पे आपकी जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी वो अलग आएगी। क्यों आएगी, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, वो इसलिए आएगी क्योंकि एम इज़क्वल टू एफ परमेसिवल स्ट्रेस परमेसिवल मल्टीप्लाइड बाई जेड, और आपको कंप्रेसिव के लिए अलग है स्ट्रेस परमेसिवल और टेंसाइल के लिए अलग है, और दोनों की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, एक की वैल्यू 90 और एक की वैल्यू 30 है। तो 90 वैल्यू आपकी कंप्रेशन की, इस कारण से आपका डायग्राम जो था वो इस तरह से बना था, और 30 वैल्यू है आपकी टेंशन की। ओके, तो यहाँ पे आपने एक टर्म से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, स्ट्रेस स्ट्रेंथ तो आप समझते हो। हम इसको क्यों बार बार इस टर्म्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन में बेसिकली डिफरेंस ये है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई आपका लोड लगता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के कारण जो भी पर्टिकुलर बॉडी है उसके मॉलिकुलर्स में, उसके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो उस फोर्स, उस पर्टिकुलर फोर्स को, उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल एक्शन को रजिस्ट करे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, एक तरह से एक इंटरनल फोर्स क्रिएट करता है, और ये जो रिएक्शन फोर्स होता है, ये रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये कहलाता है आपका स्ट्रेस। जैसे सपोज ये कोई बीम है, यहाँ पे लोड लगा, आप इसके अंदर कई पार्टिकल्स है, तो ये सारे पार्टिकल्स अपने आप में, एक पार्टिकल्स का यदि फ्री डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरह से ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, R1 R2 R3, इनके सबके डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि न्यूटन सर लॉ से यदि हम देखें तो एवरी एक्शंस हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि ये एक एक्शन है यहाँ पे, तो इसकी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। तो जब हम इन सब का इक्विलिब्रियम सम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि सपोज ये बीम है, यहाँ पे आपकी एक्शन लगी है, तो इसी के अपोजिट यहाँ पे रिएक्शन होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये रिएक्शन
पर यूनिट एरिया, इसका एरिया, ये आपका कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस एक तरह से इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? परमिसिबल स्ट्रेस का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बीम जो है वो कितना परमेबल है, कितना हम उसको परमिट करेंगे, कितना हम उसकी वैल्यू को देखेंगे कि वो उस पर्टिकुलर बीम को रजिस्ट कर सके लोड को। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका परमेबल। मतलब एक स्ट्रेस की रेंज है, सपोज़ 200, 300, 400 फॉर दिस केस, जैसे सपोज़ इसमें कंप्रेशन में आपको 90 दे रखा है, तो 90 से यदि ऊपर कोई स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो वो आपका जो बीम है वो पूरा की पूरा बीम फेल हो जाएगा कंप्रेशन में, या 30 से ज़्यादा यदि कोई टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो वो टेंसाइल में फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। तो यहाँ पे ये परमिसिबल वैल्यूज़ होती है। और स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन का मीनिंग ये होता है कि जो भी परमिसिबल स्ट्रेसेस है उस लिमिट के बियॉन्ड, जैसे सपोज़ आपको 90 है, अब स्ट्रेंथ का मीनिंग इसमें यही हुआ कि यहाँ पे जो ये 90 दे रखा है आपको, ये 90 इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी मजबूती है, इसकी पकड़ है, इतना 90 तक ये आपका बीम फेल नहीं होगा। स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आगे भी हो सकती है, 90 के बियॉन्ड भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस की कोई रेंज नहीं है, लेकिन परमिसिबल स्ट्रेस की एक रेंज है, सपोज़ 90 इसमें दे रखा, तो ये जो 90 है यहाँ पे ये होती है स्ट्रेंथ। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग यही है कि ये इतनी स्ट्रेंथ तक ये बीम जो है वो रजिस्ट करेगा, ये इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे